नमस्कार, 2023 की महाभारत आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयवर्धन सिंह की। दिग्विजय सिंह के पुत्र पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और पंचायत मंत्री के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग छिड़ रही है। जी हां, जयवर्धन सिंह ने गुना में एक कार्यक्रम में कहा है, पंचायत मंत्री मनरेगा में कमीशन लेते हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया की बात कर रहे हैं हम। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का पलटवार इस पर हुआ है और कहा है कि राघोगढ़ वाले मुझे जितनी गाली देते हैं उतने ही वोट मेरे बढ़ते जाते हैं। जयवर्धन सिंह पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि जब वो नगरीय प्रशासन मंत्री थे तो मेट्रो प्रोजेक्ट में मोटा कमीशन लिया था। चुनावी साल में दोनों नेताओं के आरोप प्रत्यारोप से गुना जिले में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है और सभी अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुटे हुए हैं, फिर चाहे वो पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया हों या फिर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह। लिफाफा भेजे और काम लाओ, ये तो स्थिति हो गई यार पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो महान तो महान मंत्री कभी वहां शायद मंत्री ऐसे आए हैं जो नरेगा के काम में भी रिश्वत दे रहे हैं, मनरेगा के फायदा ऐसे मांग रहे हैं। माननीय जयवर्धन सिंह जी की वाणी बड़ी फलित होती है, जब भी वो चुनाव में मेरे खिलाफ आरोप लगाते हैं 10 से 15 हजार वोट का इजाफा मेरे वोट बैंक में हो जाता है। पिछले बार जोर जोर से चिल्लाकर पूरे परिवार ने हम पे कहा बिक गए गद्दार हैं गद्दार हैं, तो पहले मैं इससे पूर्व के इलेक्शन में 28 से जीता था, डबल तादाद से जनता ने मुझे जिता के भेजा और अब जयवर्धन सिंह जी जो आरोप लगा रहे इसका जवाब मैं नहीं बमोरी क्षेत्र की जनता देगी और इस बार 53 हजार को भी हम क्रॉस करेंगे। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर चुटकी ली है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क के प्रधानमंत्री की तारीफ करने के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों की यह सुनकर आज तो चिड़िया ही उड़ गई होगी। ये भी कहा कि जलन की यह प्रतिक्रिया है, जलन पर बर्नौल ही भेजा जा सकता है। योग को लेकर कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि सुबह से कांग्रेस का एक नेता योग में नजर नहीं आया। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय संस्कृति से कांग्रेस को एलर्जी है। समूचा विश्व आज मोदी जी के सम्मान में खड़ा है, यह होती है हर भारतीय के वोट की ताकत और ये होते हैं वैश्विक नेता, जिससे आज पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी की यात्रा पे ये स्पष्ट दिख रहा है कि जल के बोल रहे हैं और इस जलन के लिए तो बर्नौल ही भेजा जा सकता है। सवेरे से एक बड़ा नेता कई योग में नहीं दिखा और अब ये इसलिए आप जैसा बता रहे हो कि है तो वो इसलिए होगा कि 10:30-11 बजे पाखंड कर लें, सभी आमजन और कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछा के उनकी आगवानी को तैयार। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की तरफ से पलटवार हुआ है। बाला बच्चन ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा सत्ता के दीवाने हो गए हैं और वो सत्ता के नशे में ही रहते हैं। गृह मंत्री जी तो सत्ता के इतने दीवाने हो गए हैं, सत्ता का नशा उनके ऊपर इतना चढ़ा हुआ है, मैं उनको अभी से नहीं, मैं बहुत समय से देख रहा हूं, तो वो तो अपने सत्ता के नशे में चूर है। इसका जवाब हमारे से ज्यादा बेहतर तरीके से आने वाला जो वक्त है मध्यप्रदेश की जनता जवाब देगी, वो सटीक जवाब होगा। प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहने के लिए शिवराज सरकार हर रोज नए दांव चल रही है, महिलाओं पर फोकस है और यही वजह है कि शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना के बाद बहनों को नौकरियों में प्राथमिकता देने की पहल की है। अब प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता का फैसला किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में 50% से ज्यादा महिला उम्मीदवारों की भर्ती होगी। वहीं कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर तंज कसा और कहा कि जो सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाई वो चुनावी टीचर बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती,
कभी भी हमने वोट बढ़ाने का नहीं, हमने समाज परिवर्तन और समाज को की जो विषमताएं हैं उनको दूर करने का काम किया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रारंभ से अनेक योजनाएं, अनेक ऐसी बातें जो उनके साथ जो दुश्वारियां जुड़ी हुई थी उनको दूर करने का काम किया। 50% आरक्षण सबसे पहले मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने नगरीय निकायों में दिया और कांग्रेस तो 33% आरक्षण का बिल ही पास नहीं करवा पाई। आरक्षण 18 साल में शिवराज सिंह जी इस प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाए, वो अब महिलाओं की चिंता करते हुए बोल रहे हैं कि उनको नौकरी में वो आरक्षण देंगे, ये प्राथमिकता देंगे, तो ये सरासर चुनावी जुमला है इनका। एमपी की सियासत में चुनावी बिगुल सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ने नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी फूंका है। बीजेपी के संकल्प पत्र और कांग्रेस के वचन पत्र पर आम आदमी पार्टी जल्द ही पोल खोलो अभियान लेकर लाने जा रही है और इस अभियान से जनता के बीच दोनों की पोल खोलने की तैयारी है। लेकिन सवाल यह कि जो आपके कई नेता पर आरोप है कि वो जेल में बंद है, क्या वो अपने अभियान में सफल हो पाएंगे? आपकी एंट्री किसे करेगी परेशान? बीजेपी किरण को भेदने के लिए आप तैयार? आपका अभियान होगा सफल? करप्शन में घिरी आप किसे करेगी साफ? फिल्म दुश्मन, पात्र राजेश खन्ना, गायक किशोर कुमार और गाना सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूल से, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, ये गाना तो आपने सुना ही होगा। आजकल आम आदमी पार्टी इसी गाने की तर्ज पर आगे बढ़ रही है और कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस जो वादे जनता के साथ कर रहे हैं वो झूठे हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती है और उस सच्चाई को सामने लाने के लिए आम आदमी पार्टी एक अभियान लेकर आ रही है, वो है पोल खोलो अभियान। कि कांग्रेस पार्टी ने ये वचन पत्र जारी किया था, भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प पत्र जारी किया था जिसमें इन्होंने तमाम तरह के वादे किए थे, लेकिन सरकार जब कांग्रेस की बनी तो ना इन वादों में से किसी एक वादे पे कांग्रेस ने काम किया, ना भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। जब लोग इनसे उन कामों की बात करते हैं तो लोगों को आंखें तरेरते हैं, गुर्राते हैं ये लोग। आम आदमी पार्टी इनके खिलाफ पोल खोल अभियान चलाएगी और पोल खोल अभियान में इन दोनों नेताओं को हम लोग एक्सपोज करने वाले हैं। जब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कांग्रेस पर झूठे वादे करने का जो कीचड़ उछाला है तो हाथ तो गंदा होना ही है। कांग्रेस ने आप पर पलटवार किया और पूछ दिया, हमारे दामन पर जो आप कीचड़ उछाल रहे हैं पहले आप बताएं कि वो कितने साफ हैं। जिसने खुद ने अपने वादे पूरे नहीं किए वो पूरी दुनिया से सवाल जवाब करते फिर रही है। आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए दो राज्यों में आपकी सरकार है, दोनों के दोनों राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री क्यों जेल में चले गए? आपको बताना चाहिए आपके दिल्ली के उप मुख्यमंत्री किस मामले में जेल में? उधर बीजेपी ने हमला बोला और कहा कि शिक्षा की बात करने वाले शराब पिला रहे हैं और कमीशन खा रहे हैं, हमारी सरकार पर कभी इस तरह का आरोप नहीं लगा। आम आदमी पार्टी ने बहुत चतुराई से आम लोगों की भावनाओं का शोषण किया है। चुनावी मुकाबला भले ही बीजेपी कांग्रेस के बीच हो लेकिन जिस तरह अन्य पार्टियां अपने अपने अभियान लेकर मैदान में उतरी हैं, बीजेपी और कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। विधानसभा का चुनावी बिगुल कह सकते हैं कि बजी गया है लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में दिमाग कांग्रेस के दिमाग में लोकसभा चुनाव भी चल रहा है। दोनों ही पार्टियां विधानसभा के सहारे लोकसभा की सीट मजबूत करने में लगी हैं और यही वजह है कि मुद्दे स्थानीय कम और राष्ट्रीय ज्यादा उछाले जा रहे हैं। कांग्रेस पिछले लोकसभा की स्थितियों को सुधारना चाहेगी तो वहीं विधानसभा के बहाने बीजेपी फिर से लोकसभा की सीट मजबूत करना चाहेगी, लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? आइए इस पर रिपोर्ट देखते हैं। जंग है जारी, 23 के साथ 24 की तैयारी। 23 में थ्रिलर, 24 में पिक्चर। मध्य प्रदेश में किसका होगा जोर? 2023 के साथ 2024 की ओर। भले ही बारिश ने प्रदेश के पारे को कम कर दिया हो लेकिन सियासी पारा अभी कम होने वाला नहीं है क्योंकि प्रदेश में चुनाव हैं, चुनाव विधानसभा के।
सियासी दिग्गज तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये तो 2023 का सिर्फ एक ट्रेलर है। असली पिक्चर 2024 में रिलीज होगी, इसलिए इस ट्रेलर में ही पिक्चर की झलक दिखाई दे रही है। मुद्दे स्थानीय कम और राष्ट्रीय ज्यादा उठाए जा रहे हैं, और इसका सीधा उदाहरण पिछले दिनों प्रियंका गांधी वाड्रा के जबलपुर दौरे में दिखा, जब उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं पर प्रहार किया। कांग्रेस कह चुकी है कि 2023 में तो बीजेपी की सरकार जाएगी ही, 2024 में भी बीजेपी की सरकार केंद्र से जाएगी और सत्ता से हाथ धो बैठेगी बीजेपी। 23 के साथ साथ 24 का भी माहौल बनना शुरू हो गया है। 23 में मध्य प्रदेश की सरकार जाएगी और 24 में केंद्र की मोदी सरकार जाएगी, ये लिख के रख लीजिए। कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ छिंदवाड़ा की एक सीट बचा पाई थी, कोशिश है इस बार ऐसा न हो। उधर बीजेपी फिर से 19 वाले मूड में नजर आ रही है और 23 के कंधे पर बंदूक रखकर 24 पर निशाना लगा रही है। चाहे केंद्र की जल जीवन मिशन योजना हो या हेल्थ बीमा या फिर किसानों को 6000 के राशि भुगतान, एक्सप्रेस हाईवे और एयरपोर्ट जैसे मुद्दे हो या फिर कुछ और, इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी जोर शोर से प्रचार कर रही है और 2024 की फिल्म को हिट कराने में जुट गई है। अब चाहे विधानसभा चुनाव की दृष्टि से देख लें या लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, हम दोनों चुनाव के लिए तैयार हैं, सुनियोजित ढंग से तैयार हैं, योजनाबद्ध ढंग से कार्यक्रम अभियान चलाते हुए तैयार हैं, हम तमाम प्रकार की रणनीति के साथ तैयार हैं। बीजेपी अब अपने राष्ट्रीय नेताओं के सहारे माहौल बनाने की तैयारी कर रही है। आने वाले दिनों में पीएम मोदी, नड्डा, शाह और अन्य नेता प्रदेश में आएंगे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल, खड़गे, प्रियंका और सोनिया, कई अन्य नेता उनके साथ नजर आएंगे और दोनों पार्टियों का जोर विधानसभा के साथ साथ लोकसभा के चुनाव पर भी होगा। न्यूज 18 के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी और इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल एक दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे, दुर्ग पहुंचेंगे और यहां के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, एक जनसभा वो संबोधित करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर 12:45 पर रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। एयरपोर्ट पर ही अमित शाह लंच भी करने वाले हैं, इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से दुर्ग के लिए उड़ान भरेंगे और दोपहर 1:35 पर जयंती स्टेडियम पहुंच आएंगे। कुछ देर रुकने के बाद अमित शाह भिलाई के लिए रवाना होंगे, यहां पर पंडवानी गायिका उषा बारले के घर उनको जाना है और करीब 20 मिनट तक वे यहां पर वक्त गुजारेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम पहुंचेंगे, यहां पर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इसमें वो शामिल होंगे, जनसभा करेंगे और इसके बाद अमित शाह मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे क्योंकि बालाघाट उन्हें जाना है। वीरेंद्र बघेल जी मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भूल गए हैं ऐसा लगता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सरकार के 9 साल पूरा होने के एवज में आम सभा जो निर्धारित है उसके लिए माननीय अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। 50,000 से अधिक की भीड़ उस आम सभा में होगी। पंडवानी गायिका है पद्मश्री उषा बारले जी, संपर्क से समर्थन अभियान के अंतर्गत उनसे संपर्क के लिए देश के गृह मंत्री जी का जाना निर्धारित हुआ है। बीजेपी के फायर फ्रंट नेता और सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने टीला जमालपुर मामले समेत कई मुद्दों पर बयान दिया और कहा कि भोपाल समेत पूरे देश में ऐसे विधर्मी उत्पात मचा रहे हैं, युवक को के गले में पट्टा डालने पर सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। आदि पुरुष पर बैन की उठ रही मांग पर साध्वी कहने लगी कि उन्होंने तो फिल्म देखी नहीं और फिल्म पर बैन करना तो सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया होती है। पूरे देश में इस प्रकार की गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं, विधर्मी लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा उत्पात करने लगे हैं, मानवीयता खो दी है और उनके जो मंसूबे हैं देश विरोधी, उनके जो षड्यंत्र हैं देश विरुद्ध,
और धर्म विरुद्ध वो स्पष्ट होने लगे हैं। मानवीयता तो उनके अंदर पहले भी नहीं थी और इसलिए जहां देखो वहां काटना, जहां देखो वहां मारना और जहां देखो वहां भी कुत्ते जैसा उसको बना करके जो घुमाया है, ये उस व्यक्ति, उस बालक का जो लड़का है उसका बहुत ज्यादा अपमान हुआ है। और उनको जो सजा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, यहाँ के प्रशासन ने दी है, मैं उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करती हूँ कि जहाँ से भी हिंदुस्तान को, हमारे देश को चेतना मिलती है, जहाँ से ज्ञान मिलता है, जहाँ से हमें सरल अध्ययन मिलता है, इससे लोग सीख सके और अपने देश में जागृति ला सके, उन सब चीजों का विरोध, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चाहे कांग्रेस के कोई भी नेता हो, वो करते रहते हैं। कहीं से भी राष्ट्र को चेतना ना मिले, ये उनका प्रयास रहता है। और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से। प्रदेश कांग्रेस संगठन में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला को रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है। महामंत्री रवि घोष को बस्तर की कमान सौंप दी गई है। इसके अलावा प्रतिमा चंद्राकर जो हैं वो राजनांदगांव देखेंगी। चंद्रशेखर शुक्ला को मोहला मानपुर का प्रभार दिया गया है। महामंत्री अरुण सिसोदिया संगठन और प्रशासन देखने वाले हैं। चावला के पास यूथ, एनएसयूआई और सदस्यता का प्रभार रहेगा। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक किरण, कैंसर हीलर सेंटर। मोदी का संदेश सुना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 1000 लोगों के साथ किया सूर्य नमस्कार। योग दिवस पर जबलपुर में भव्य कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति, सीएम, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल समेत कई दिग्गज हस्तियों ने की शिरकत। योग दिवस पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, पीएम के नेतृत्व में आज पूरा विश्व योगमय, वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, ये भारत का मूल मंत्र है। योग दिवस पर सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, सभी स्कूल में योग शिक्षा होगी अनिवार्य। आज 180 देशों में किया जा रहा योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अमेरिका से पीएम मोदी का वीडियो संदेश, देश को संबोधित करते हुए बोले, योग एक विचार था जिसे आज पूरी दुनिया ने अपनाया, योग ने हमेशा से जोड़ने का काम किया। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 180 देशों के लोग करेंगे योग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया योग अभ्यास से पहले पीएम मोदी का संदेश सुना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 1000 लोगों के साथ किया सूर्य नमस्कार। योग दिवस पर जबलपुर में भव्य कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति, सीएम, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल समेत कई दिग्गज हस्तियों ने की शिरकत। योग दिवस पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, पीएम के नेतृत्व में आज पूरा विश्व योगमय, वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, ये भारत का मूल मंत्र है। योग दिवस पर सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, सभी स्कूल में योग शिक्षा होगी अनिवार्य। आज 180 देशों में किया जा रहा योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अमेरिका से पीएम मोदी का वीडियो संदेश, देश को संबोधित करते हुए बोले, योग एक विचार था जिसे आज पूरी दुनिया ने अपनाया, योग ने हमेशा से जोड़ने का काम किया। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 180 देशों के लोग करेंगे योग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया योग अभ्यास से पहले पीएम मोदी का संदेश सुना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 1000 लोगों के साथ किया सूर्य नमस्कार। योग दिवस पर जबलपुर में भव्य कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति, सीएम, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल समेत कई दिग्गज हस्तियों ने की शिरकत।
योग दिवस पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, पीएम के नेतृत्व में आज पूरा विश्व योगमय, वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, ये भारत का मूल मंत्र है। योग दिवस पर सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, सभी स्कूल में योग शिक्षा होगी अनिवार्य, आज 180 देशों में किया जा रहा योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अमेरिका से पीएम मोदी का वीडियो संदेश, देश को संबोधित करते हुए बोले, योग एक विचार था जिसे आज पूरी दुनिया ने अपनाया, योग ने हमेशा से जोड़ने का काम किया। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, 180 देशों के लोग करेंगे योग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया योग अभ्यास से पहले पीएम मोदी का संदेश सुना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 1000 लोगों के साथ किया सूर्य नमस्कार। योग दिवस पर जबलपुर में भव्य कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति, सीएम, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल समेत कई दिग्गज हस्तियों ने की शिरकत। योग दिवस पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, पीएम के नेतृत्व में आज पूरा विश्व योगमय, वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, ये भारत का मूल मंत्र है। योग दिवस पर सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, सभी स्कूल में योग शिक्षा होगी अनिवार्य, आज 180 देशों में किया जा रहा योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अमेरिका से पीएम मोदी का वीडियो संदेश, देश को संबोधित करते हुए बोले, योग एक विचार था जिसे आज पूरी दुनिया ने अपनाया, योग ने हमेशा से जोड़ने का काम किया। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, 180 देशों के लोग करेंगे योग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया योग अभ्यास से पहले पीएम मोदी का संदेश सुना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 1000 लोगों के साथ किया सूर्य नमस्कार। योग दिवस पर जबलपुर में भव्य कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति, सीएम, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल समेत कई दिग्गज हस्तियों ने की शिरकत। योग दिवस पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, पीएम के नेतृत्व में आज पूरा विश्व योगमय, वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, ये भारत का मूल मंत्र है।